लो जी चौधरी साहब हरियाणा में एक ही है आजकल अपने वीरेंद्र सिंह बड़े जोश में है और वो भी अपनी पार्टी अपने लिए नहीं दुष्यंत चौटाला के लिए। उचाणा में कह दिया मैं लिख कर देता हूँ दुष्यंत चौटाला उचाणा से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। दे दो चौधरी साहब लिख के दे दो रख लेंगे। लेकिन आपकी दुष्यंत से बात हुई है क्या या गठबंधन के बहुत बड़े नेता से हुए कि दुष्यंत को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे उससे कर देंगे? किसी से नहीं, मेरे को तो लगता नहीं आपकी किसी से बात हुई होगी। ये आप पता नहीं तो अपनी जो भड़ास है खीज है वो निकाल रहे हैं या आप दुष्यंत को डिमोरलाइज कर रहे हैं या दुष्यंत के जो कार्यकर्ता उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। खैर आपकी राजनीति मेरे तो समझ में कभी आई नहीं, हालांकि बहुत अच्छी होती है राजनीति, वही होती है जो सामने वाले को समझना है। अगर मेरे को पता चल जाए आपकी राजनीति का तो वो राजनीति है ही नहीं। लेकिन चौधरी साहब शायद आप कुछ ज़्यादा बोल गए हैं क्योंकि जेजेपी की टिकट वितरण आपके हाथ में नहीं है, बीजेपी की टिकट वितरण आपके हाथ में नहीं है, किसी की भी टिकट आपके हाथ में नहीं है, फिर आप दूसरों की पार्टी के बीच वो के वही है ना, किसी ने वो बच्चे खेलते थे ना रेत की गोली बुला के पैर मारना है, आपने तो पैर मारना है शायद, और वो भी केवल आप उचाणा की सीट के ऊपर ही पैर मारते हो, रेत की गोली बढ़ा ली किसी ने उसको लात मार के चल दिए वो तो फिर बढ़ा लेगा आपके कड़े से उसकी रेत की जो गोली क्या ना पारिया। लेकिन आप अपनी टिकट का ख्याल कीजिए चौधरी साहब, अपने परिवार की टिकट का ख्याल कीजिए। हिसार लोकसभा में खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, उसके साथ साथ उचाणा में भी अगर गठबंधन रह गया तो फिर आप बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे या जेजेपी की टिकट के बारे में फैसला लेंगे, वो चिंता का विषय फिलहाल है। नमस्ते तो।